वेलकम टू कम बैक ओवर यूट्यूब चैनल। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नंबर वन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि है कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर वारियस वैकेंसियों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका ये जो रीजनिंग का पार्ट है आज मैं आप लोगों के लिए डालने जा रहा हूँ। बाकी मैंने और पार्ट डाल रखे हैं यूट्यूब पर, तो आप लोग वो जा करके देख सकते हैं। और आज मैं ये रीजनिंग का जो सेकेंड पेपर है उसका मैं आप लोगों को जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो डाल रहा हूँ। एक पेपर तो मैंने पूरा डाल दिया है, दूसरे पेपर का एक पार्ट मैंने डाल दिया, बाकी अब ये दूसरा पार्ट है दूसरे पेपर का, ठीक है। और ये सभी वैकेंसी के लिए है, चाहे आप लोग असिस्टेंट टीचर के लिए हो, चाहे जूनियर क्लर्क के लिए हो, चाहे सफाई कर्मचारी के लिए हो, चाहे मजदूर के लिए हो, जितनी भी वैकेंसी हैं उन सभी के लिए आप इस पेपर को मान करके चल सकते हैं। और जैसे जैसे मुझे पेपर मिलते जाएंगे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता जाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान को भी ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर देना। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंकों के सरणी क्रम में एक पद गलत है उसे ज्ञात करें, यानी कि एक पद इसमें गलत है जो ये संख्या दी गई है, तो वो संख्या कौन सी है इस सरणी क्रम में, ठीक है। तो जैसे 5 और 13, इन दोनों का जो अंतर है 8, 5, 13 होता, तो इन दोनों का जो अंतर हो गया वो 8 हो गया, ठीक। बाकी 13 और जो 21 का अंतर है वो भी 8 ही होता है, 8, 13 और 8, 21 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से 21 और 37 का जो अंतर होता है वो 16 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से 37 और 53 का जो अंतर है वो भी 16 ही होता है, ठीक। और इसी प्रकार से 85 और 53 का जो अंतर है वो होता है 32, यानी कि 32, ठीक। और 85 और 118 का जो अंतर होता है वो होता है 33, ठीक। तो इसमें अब आप लोग देख सकते हो कि जो पद है वो कौन सा गलत है। देखिए पहले 8-8 का अंतर, ठीक है, 8-8 का अंतर, फिर 16-16 का अंतर, फिर 32-32 का अंतर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भले 32 का तो है लेकिन बाद में 33 का है, यानी कि जो 118 है वो एक ज्यादा है, यहाँ पर 117 होना चाहिए था। तो इसका आंसर हमारा 118 है वो गलत है। अब इसमें 118 कहाँ पर है वो हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो 118 हमें ऑप्शन नंबर सी पे देखने को मिलता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो आंसर है वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो पहले का आंसर हमें ऑप्शन नंबर सी 118 हमारा बिल्कुल गुड है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम है जो श्याम से धनी है, ठीक है। राम है जो श्याम से धनी है, यानी कि राम जो है वो श्याम से अमीर है, ठीक है। तो हम राम को यहां पर लिख लेते हैं, राम, राम है जो श्याम से धनी है, यानी कि श्याम से अमीर है ये। अब श्याम को हम एस से इंडिकेट कर देते हैं, लेकिन इसमें एस भी दो हो जाएंगे, तो हम इसको श्याम लिख लेते हैं। राम है जो श्याम से अमीर है, ठीक है, श्याम से अमीर है, आगे बोल रहा है, परंतु सोहन जितना नहीं, यानी कि सोहन जितना अमीर है उतना अमीर राम नहीं है, यानी कि राम है जो सोहन से थोड़ा सा गरीब है। तो दूसरे नंबर पर कौन आ गया, सोहन आ गया, हम इसको यहां पर सो लिख देते हैं ओनली, क्योंकि ऐसे टाइम ज्यादा लगेगा, यानी कि ये सोहन से गरीब है थोड़ा सा राम है जो, ठीक है। तो आप लोग समझ जाओगे सो से ही, सोहन जितना नहीं है और रमेश से गरीब है, यानी कि ये जो राम है वो रमेश से गरीब है, सोहन जितना अमीर नहीं है, तो हम रमेश को भी मान लेते हैं कि ये भी इससे अमीर है, तो रमेश भी इससे अमीर है, ठीक है। आर एम, चलो रमेश से आप समझ जाओगे कि भाई ये रमेश हो गया। अब ये बोल रहा है तो श्याम है, अब श्याम तो सबसे लास्ट में पड़ा है अभी, ठीक है, तो श्याम तो सबसे गरीब हो गया इसमें, तो ये क्या क्या बोल रहा है, रमेश से धनी है, रमेश तो सबसे धनी है इसमें, सोहन से धनी है, सोहन दूसरे नंबर पर धनी आदमी है, सोहन जैसा गरीब है, सोहन तो राम से भी अमीर है, रमेश से गरीब है, रमेश से गरीब तो है ये तो सबसे गरीब है, बाकी इसमें है रमेश से गरीब है, तो रमेश से गरीब इसमें सही आंसर हमारा बैठता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी आता है, ठीक है, यानी कि रमेश से ये गरीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख त्रिआयामी नहीं है। देखिए इसमें शंकु त्रिआयामी होता है, पिरामिड कैसा भी बना सकते हैं हम,
बाकी जो वर्ग होता है वो तो स्क्वायरी होता है, यानी कि इसमें तो चार ही भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी निश्चित संकेत में 15,789 को ई जे के पी टी लिखा जाता था तथा 2, 3, 4, 6 को ए एल यू आर लिखा जाता था, तो उसी संकेत में 8, 3, 5, 4, 9 को लिखा जाएगा। देखिए इसमें ये जो संख्याएं हैं इन सभी को 1, 2, 3, 4 से आप लोग लिख सकते हैं कि भाई ई को, लेकिन इसमें आप लोग ऐसे लिख लो कि ई को इसमें लिखा जाता है, ई को लिखा जाता है 1। ठीक, ई को 1 लिखा गया, जे को इसमें 5 लिखा गया, के को इसमें 7 लिखा गया, पी को इसमें 8 लिखा गया और आई को इसमें 9 लिखा गया। ठीक है, इस प्रकार से आप टी को, सॉरी लास्ट में टी है, टी को इसमें 9 लिखा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से ए एल यू आर है तो ए को मान लेते हैं हम 2 लिखते हैं और एल को 3, यू को 4 और 6 लिखते हैं आर को। ठीक है, ऐसे है ये, यानी कि ई को इसमें 1 लिखा जाता है, जी को 5, के को 7, पी को 8 और टी को 9। तो इसी प्रकार से जैसे 8 को, 8 को इसमें यहाँ पर क्या क्या लिखा जाता है, 8 को, 8 को लिखा जाता है यहाँ पर पी, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पी, 8 को यहाँ पर पी लिखा जाता है। फिर 3 को क्या लिखा जा रहा है, 1 ई लिखा जाता है, 3 को, 3 को ई लिखा जाता है और 5 को, 5 इसमें जी लिखा जाता है, 5 इसमें जी लिखा जाता है, 4 इसमें, इसमें है 4, 4 को लिखा जाता है यू, तो 4 को लिखा जाता है यू। ठीक है, और पीई जी, ठीक है, तो इसमें हम लोग, सॉरी सॉरी सॉरी, पी 8 को लिखा जाता है पी और 3 को इसमें, 3, 3, 3 को लिखा जाता है एल। ठीक है, 3 को लिखा जाता है एल, 5 को लिखा जाता है इसमें जी, इस प्रकार से इसमें हो गया पी एल जी, पी एल जी, पी एल जी, पी एल जी, यानी कि डी तो इसमें है नहीं। अब 4 को लिखा जाएगा इसमें, 4 को यू और 6 को आर, यू आर, यू आर, पी एल जी यू आर इसमें लिखा जाएगा, पी एल जी, 4 को लिखा जाता है यू और लास्ट में 9 है, सॉरी 9 है, 9 को लिखा जाएगा टी, पी एल जी आर टी। ठीक है, पी एल जी आर टी इसमें हो गया, पी एल जी, सॉरी एक मिनट देखने दो, 8, 3, 5, 4, 9, 8, 3, 5 तो हो गया, 4 को लिखा जाता है यू और 9 को लिखा जाता है टी। ठीक है, तो यू टी, यू टी, पी एल जी यू टी, इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट बैठता है। ठीक है, बाकी आप लोगों को समझ में आ ही गया है। ठीक, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें एक संख्या जो बीच में गायब है, ये इसमें हमारे को पूछ रहा है कि जो लुप्त संख्या है वो क्या है। देखिए अब ये जो 4 है वो हमारा 2 का स्क्वायर होता है, 4 हो गया 2 का स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार से 9 का स्क्वायर हमारा 3 होता है, उसी प्रकार से 4 का स्क्वायर 2 गया हमारा। ठीक, उसी प्रकार से 9 का स्क्वायर हमारा 3 होता है, 25 का, 25 हमारा 5 का स्क्वायर होता है, 49 हमारा 7 का स्क्वायर होता है और यहाँ पर जो संख्या है उसके बारे में पूछ रहा है, 169 हमारा 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 289 हमारा 17 का स्क्वायर होता है और 361 हमारा 19 का होता है। तो इसमें ये क्या कर रहा है, 3, 5, 7, यहाँ पर 9 आ जाएगा, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 19, ये अभाज्य संख्याओं के वर्ग हमें यहाँ पर दे रखे हैं, तो बाकी हमारे पास 3, 5, 7, सॉरी 9 नहीं आएगा, यहाँ पर 11 आएगा, 11, 3 अभाज्य संख्या है ना, मैंने तो इसमें विषम संख्या लगा दी, तो यहाँ पर हमारा 11 हो जाएगा और 11 का वर्ग हमारा होता है 121। ये आप लोगों को पता है ही, 11 का वर्ग जो हमारा होता है वो 121 होता है। ठीक है, 11 का वर्ग हमारा 121 होता है। ग्यारह का वर्ग हमारा 121 होता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट बैठता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपयुक्त दो कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक दृष्टि से सत्य है, ये पूछ रहे हैं। देखिए इसमें बोल रहा है कि अजय एक कलाकार है। ठीक है,
पहले नंबर पे हमें बोला गया कि अजय है जो एक कलाकार है, ठीक है, और कलाकार सुंदर होते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है, अब सभी व्यक्ति, सभी सुंदर व्यक्ति कलाकार होते हैं, क्योंकि ये बोल रहा है तो इसमें बोल रहा है कि सभी सुंदर व्यक्ति हैं जो कलाकार होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि जो भी सुंदर व्यक्ति हैं वो सारे कलाकार होते हैं, तो ये तो हमारा गलत हो गया। इसमें यह जरूर बोल रखा कि कलाकार सुंदर होते हैं, लेकिन जो सुंदर होते हैं वो कलाकार होते हैं, ऐसा नहीं बोला गया, तो पहला गलत हो गया, अजय सुंदर है। दूसरा बोला गया है इसमें बी ऑप्शन जो है कि अजय सुंदर है। देखिए अजय एक कलाकार है और इसमें बोला गया कि कलाकार सुंदर होते हैं, तो ये हमारा सही बैठता है। अजय सुंदर नहीं है, ये इसमें गलत है, क्योंकि इसमें बोला गया कि कलाकार सुंदर होते हैं और सुंदर व्यक्ति कलाकार नहीं होते हैं, ये ऐसा तो इसमें बिल्कुल नहीं बोला गया, इसमें इसके जस्ट विपरीत बोला गया है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सटीक बैठता है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका आंसर है, ठीक है। और बाकी आप लोगों को अगर देखना है कि ये कंटोनमेंट बोर्ड का ही पेपर है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कंटोनमेंट बोर्ड की मोहर भी लगी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रमेश उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है। रमेश है जो उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, वह घड़ी की चाल की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, ठीक है। 90 डिग्री तो किधर घूमता है, घड़ी की जिधर से, जिधर हमारी घड़ी घूमती है उस दिशा में वो 90 डिग्री घूमता है, ठीक है। अब घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में 180 डिग्री, विपरीत दिशा में 180 डिग्री वो घूम रहा है, ठीक है। यानी कि पहले तो 90 डिग्री उसी की चाल की दिशा में गया, फिर वापस वहां से 180 डिग्री पीछे की तरफ घूमा और इसी दिशा में फिर से 270 वो घूमा, फिर से 270 घुमा उसी दिशा में, विपरीत दिशा में, ठीक है। तो ये विपरीत दिशा में कितना हो गया टोटल, 0, 8, 7, 15 का 5, 4, 8 बच गई, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 450 हो गया। और जो उसी की दिशा में चला है वो कितना चला है, 90 डिग्री, यानी कि जो विपरीत दिशा में अब बच गया वो हमारा बच गया 360। अब 360 का मतलब ये है कि वो जहां पर है वही की वही वो रहेगा, क्योंकि जिधर से वो चला वहीं पर वो वापस आ गया, 360 का ही हमारा वर्त होता है। तो इसमें वो कहां से चलना किया, शुरू उत्तर पूर्व से, ठीक है, उत्तर पूर्व से उसने चलना स्टार्ट किया, तो वो उत्तर पूर्व में ही आकर के रुक जाएगा, क्योंकि 360 ही वो चलता है, तो वही की वही रहेगा वो, ठीक है। तो इसमें उत्तर जो हमारा है, आंसर जो हमारा है वो बी ऑप्शन राइट बैठता है, वो उत्तर पूर्व में ही वापिस आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है, तथा गुणा का अर्थ माइनस हो, तो 32 भाग 64 - 4 × 4 + 3 का मान होगा। तो हम इसमें जैसा जैसा इसने बोला है वैसा वैसा हम लोग इसमें करते हैं। देखिए इसमें बोला है कि पहले तो हम लोग संख्या लिख लेते हैं, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं क्योंकि ये ऐसा दिखता नहीं है, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, यहाँ पर ये आ जाते हैं, तो हम लोग इसको यहीं से शुरू करते हैं। हाँ मेरे को दिख रहा है, वही खूब है, आपको भी दिख जाएगा जैसा जैसा मैं लिखूंगा। तो लिखते हैं 32, अब इसमें भाग है तो भाग को इसमें किसमें, प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ इसमें प्लस दे रखा है, तो हम 32 + 64 इसको कर देते हैं, 64 के बाद माइनस है और इसमें माइनस के लिए बोल रहा है प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ इसमें भाग बोल रहा है, तो हम इसमें भाग कर देते हैं, भाग 4, फिर गुणा, और उसमें गुणा का अर्थ हम लोगों को बता रखा है माइनस हो, प्लस का प्लस तथा गुणा का अर्थ माइनस हो, यानी कि माइनस गुणा का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ माइनस, फिर 4, फिर प्लस का अर्थ इसमें क्या दे रखा है, गुणा, तो हम मल्टीपल कर देते हैं इंटू 3, ठीक है। तो ये हो गया 32 + 64 / 4 - 4 × 3। अब इसको हम करते हैं, तो 32 के 32 हम लोग लिख लेते हैं, प्लस 64 में जब 4 का भाग देते हैं तो 16 माइनस 4 × 3 हम यही कर लेते हैं, तो 12 हो जाता है, ठीक है। अब इसमें हम जब 32 और 12 को जोड़ते हैं तो हमारे पास 32 × 2 = 34 हो जाता है, 16 + 64 = 4 = 12 = 32, तो 32 और 12, 32 × 2 = 34 + 10 = 44 हो गया,
ठीक है, 44, सॉरी सॉरी पहले इसमें 32 प्लस 16 48 हो गया, 48 में से हम लोगों को माइनस करना है 12, तो इज इक्वल टू हमारा निकल करके आ गया 32 में से 48 गए तो 36, और 36 हमारा जो आंसर है वो हमारा हमें ऑप्शन नंबर ए पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक औरत एक पुरुष के चित्र को देख करके कहती है, इस पुरुष की जो बहन है यानी कि कोई औरत है वो किसी फोटो की तरफ उंगली करके कहती है कि ये जो फोटो है इसकी बहन, इस फोटो की बहन जो है वो मेरी सास है, यानी कि औरत की सास है वो। ठीक है, औरत की सास है ये जो फोटो है, जो वो इस औरत की सास है। ठीक है, इसकी सास है, और इसकी बहन है ये। ठीक है, इसकी बहन है। और औरत के पति का चित्र में दिखाए संबंध से क्या संबंध है, औरत का जो पति है उसका चित्र में दिखाए गए पुरुष से क्या संबंध है। जब ये इसकी बहन है तो ये इसके औरत के मामा हुए, ये इस औरत के पति के मामा हुए। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो ठीक बैठता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें ठीक बैठता है। 10 के नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया, चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। लुप्त क्रम ज्ञात कीजिए, देखिए इसमें लुप्त संख्या हम लोगों को ढूंढना है। अब इसमें हम लोग जो जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं वो हम लिख देते हैं। डी 4 पे आता है, बाकी आर हमारा 18 पे आता है, एल हमारा 12 पे आता है, और एन हमारा 14 पे आता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो एल जेड टीवी जो है, एल जेड टीवी, एल हमारा 12 पे आता है, जेड हमारा 26 पे आता है, टी हमारा 20 पे आता है, और वी हमारा 22 पे आता है। ठीक है, इनके अंदर हमारे को संबंध ढूंढना है। देखिए 4 और 12 में कितने का अंतर है, 4 और 12 में अंतर है 8 का। ठीक है, उसी प्रकार से 18 और 26 में कितने का अंतर है, 8 का। उसी प्रकार से 12 और 20 में कितने का अंतर है, 8 का। उसी प्रकार से 14 और 22 में कितने का अंतर है, 8 का, यानी कि सभी में 8-8 का अंतर हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार से JLFH हम यहां पर लिख लेते हैं, JLFH। अब इनकी जो संख्याएं हैं, J हमारा 10 पे आता है, L हमारा 12 पे आता है, F हमारा 6 पे आता है, और H हमारा 8 पे आता है। ठीक है, और अब इनमें हम सभी में प्लस 8-8 का अंतर है, तो इसमें हम सभी में 8-8 जोड़ते हैं, तो 10 में जब 8 जोड़ते हैं तो 18 हो गया। ठीक है, 12 में जब 8 जोड़े तो 20 हो गया, 6 में जब 8 जोड़े तो 14 हो गया, और 8 में जब 8 जोड़ा तो 16 हुए। अब इसमें 18 पे हमारा आर आता है, 18 पे हमारा आर आता है। ठीक है, 18 पे तो आर आ गया, 20 पे टी आ गया, 14 पे एन आ गया, और 16 पे हमारा पी आता है, 16 पे हमारा पी आता है, तो आर टी एन पी हो गया, आर टी एन पी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें जो है वो राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। यदि त्रिभुज का अर्थ है से बड़ा, यानी कि कोई भी संख्या है उससे बड़े है दूसरी संख्या, परसेंट का मतलब है से छोटा, यानी कि जो पहली संख्या है उससे छोटा, और इज इक्वल टू या बराबर का मतलब है के बराबर है। ठीक है, तो इसमें बोला गया यदि ए इज इक्वल टू या लेस देन बी है
यानी कि इसका मतलब ए और बी दोनों बराबर हैं, बी परसेंट सी, अब परसेंट का मतलब से छोटा है, तो बी से छोटा है सी, इसका मतलब ये हुआ है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ये तो ये गलत पूछ रहा है। अब सी त्रिभुज का निशान बी, अब त्रिभुज का मतलब है से बड़ा है, यानी कि सी है जो बी से बड़ा है, तो ये तो हमारा बी परसेंट सी, यानी कि बी परसेंट का मतलब से छोटा, यानी कि बी है जो सी से छोटा है, ठीक है। यहां पर ये है और यहां पर है कि सी बी से बड़ा है, तो ये तो हमारा बिल्कुल राइट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा ए त्रिभुज बी है, तो त्रिभुज का मतलब यहां पर से बड़ा है, यानी कि ए बी से बड़ा है, जबकि यहां पर बोला गया है कि ए और बी दोनों बराबर है, और यहां पर बोल रहा है कि ए बी से बड़ा है, तो ये हमारा गलत है और ये गलत ही पूछ रहा है हमें, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट बैठता है, ठीक है, इसका ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति का जन्मदिन 1994 में सोमवार के दिन होता है, ठीक है, तो 1995 में सप्ताह के किस दिन में उसका जन्मदिन पड़ेगा। अब इसके लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि जो 1994 ये जो सन है ये हमारा लीप वर्ष है या अलीप वर्ष है, तो ये हमारा अलीप वर्ष है क्योंकि 1994 में 8 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो अलीप वर्ष में एक दिन अधिक होता है क्योंकि 365 दिन होते हैं, 365 दिन में जब 7 का भाग देते हैं तो एक हमारा ज्यादा निकल करके आता है, और एक ज्यादा निकल करके आता है, तो पहले सोमवार के दिन उसका 1994 था जन्मदिन, तो 1995 में उसका एक दिन बढ़ जाएगा, यानी कि मंगलवार को उसका जन्मदिन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट होता है। नेक्स्ट 14 नंबर है, निम्नलिखित में से विषम ज्ञात कीजिए, गिटार सितार और वायलिन ये तीनों एक ही चीजें होती हैं, गिटार सितार और वायलिन ये एक दूसरे से संबंध रखती हैं, बाकी इसमें पियानो है जो इससे अलग है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट बैठ गया, ये तो बिल्कुल सही सही हो गया, बाकी जो इनसे अनजान है इन वाद्य यंत्रों से उनको ध्यान रखना है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार विभिन्न व्यवसायों से जुड़े व्यक्ति चिकित्सक वकील इंजीनियर उद्यमी एक सिनेमा हॉल की चार सीटों पर एक ही कतार में बैठे हैं, ठीक है, और सभी के जो कमीज के रंग हैं वो यहां पर देकर दे रखे हैं, और सभी के जो पेय पदार्थ हैं वो यहां पर दे रखे हैं, तो ये बाद में बोल रहे हैं कि किसने क्या पहना है क्या खा पी रहा है, ये सभी यहाँ पर बोला हुआ है, तो इसे हमें पहले तीनों को अलग अलग पार्ट में हमें विभक्त कर लेना है ऐसे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो हमारी को इसके लिए तीन पार्ट हमें बनानी है, ठीक है, तीन पार्ट हम लोगों को इसके लिए बनानी है। पहले में हम लोग लिख लेते हैं कि जो जो ये है, जैसे कि डॉक्टर है पहला हमारा, डॉक्टर लिख लेते हैं, यहाँ पर पेशा लिख लेते हैं पहले, तो वहां पर डी ओ सी इतने इतने से आप लोग समझ जाओगे। नेक्स्ट इसमें है वकील, इसको हम वकील वी ए के से समझ जाओगे आप लोग। नेक्स्ट है इंजीनियर, ई एन जी से समझ जाओगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है उद्यमी, तो इसको हम यू से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या क्या पहना हुआ है वो सभी हमारे को नेक्स्ट में इंडिकेट करना है हम लोगों को। तो जैसे कि अब इसमें बोला है कि चिकित्सक ने लाल रंग की कमीज पहनी है, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर ने लाल रंग की कमीज पहनी है, तो हम डॉक्टर के आगे लाल रंग की कमीज पहना देते हैं डॉक्टर को। डॉक्टर कैसी पहन लिया, लाल रंग की कमीज पहन लिया, लाल को हम कर देते हैं एल या रेड कलर, ठीक है, एल या आर, एल का मतलब लाल और रेड का मतलब लाल, आप ऐसे नहीं समझो तो ऐसे समझ जाओगे, ठीक है। वकील, अब इसमें इंजीनियर पेप्सी पी रहा है, इंजीनियर तीसरे नंबर पे है तो हम लोग तीसरे नंबर पे जाते हैं सीधा और इसको पेप्सी पिला देते हैं, पेप्सी इसको इंजीनियर को हमने पिला दी, ठीक है। उद्यमी सबसे बाईं ओर बैठा हुआ, ये अलग मैटर है, तो उद्यमी को हम लोग सबसे बाईं ओर यहाँ पर बैठा देते हैं कि भाई ये उद्यमी भाई साहब यहाँ पर बैठ गया। सबसे दाईं ओर से ठीक पहला बैठा आदमी, यानी कि पहले नंबर पर कोई आदमी है और फिर दूसरे नंबर पर कोई आदमी है, ठीक है, सबसे दाईं ओर से ठीक पहले बैठा व्यक्ति थम्सअप पी रहा है, ये थम्सअप क्या क्या पी रहा है, थम्सअप पी रहा है, थम्स अप पी रहा है, ठीक है। ये वकील ऑरेंज पे ही पी रहा है, वकील है जो ऑरेंज पे ही पीता है, वकील हम यहां पर लिख लेते हैं, वकील है जो क्या पीता है, ऑरेंज पे ही पीता है वकील।
वकील ओरेंज पे ही पी रहा है, नीली कमीज पहना व्यक्ति पेप्सी पी रहा है, नीली कमीज पहना जो व्यक्ति है वो पेप्सी पी रहा है, ठीक है, नीली कमीज पहना व्यक्ति और नीली कमीज पहना जो व्यक्ति है वो पेप्सी पी रहा है, तो इंजीनियर हैं जो भाई साहब नीली कमीज पहन लिए ब्लू, ठीक है, इंजीनियर भाई साहब ब्लू पहन लिए, सफेद कमीज पहना व्यक्ति लाल कमीज पहने व्यक्ति के दाईं ओर बैठा है, तो उद्यमी पी रहा है। देखिए दो के तो आ गए पेय पदार्थ हैं, जो किस किस का आ गया, वकील का और इंजीनियर का, वकील तो पीता है ऑरेंज पेय और इंजीनियर पीता है पेप्सी, ठीक है, तो इसमें ऑरेंज पेय और पेप्सी तो आ नहीं सकते, ठीक है, पेप्सी भी इसमें कट हो गया क्योंकि ये उद्यमी भाई साहब हैं जो न तो पेप्सी पीते हैं, क्योंकि जो पेप्सी पी रहा है, पेप्सी पी रहा है वो इंजीनियर है और ऑरेंज पे ही पी रहा है वो वकील है, तो ऑरेंज पे ही भी इसमें कैंसिल हो गया। अब इसमें बच गए कितने, दो, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि थम्सअप पी रहा है, दूसरे नंबर पे है जो, ठीक है, दूसरे नंबर पे जो है दाईं ओर से, सबसे दाईं ओर से, ये सबसे बाईं ओर है उद्यमी भाई साहब, अब सबसे जो दाईं ओर आदमी बैठा है उसके दूसरे नंबर पे जो है वो थम्सअप पी रहा है, तो इसमें थम्सअप भी कैंसिल हो गया क्योंकि दूसरे नंबर पे जो आदमी बैठा है वो पी रहा है, तो अब हमारा उद्यमी भाई साहब अकेला बच गया, तो उद्यमी भाई साहब लास्ट में बच गए, तो इसके लिए कोका कोला हो गया, अब इसमें कोका कोला इसके लिए बच गया, तो जो बच गया जो इसने पी ली, तो इसके लिए आंसर हमारा ए राइट बैठता है, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। तीन पत्रिकाएं हैं जिन्हें तीन वर्तों द्वारा दर्शाया गया है, बाहर और अंदर दिए गए नंबर पत्रिकाओं को पढ़ने वाले व्यक्तियों को संख्या को दर्शाते हैं, ठीक है। इसमें जैसे तीन मैगजीन है, मैगजीन नंबर 1 400 पढ़ते हैं, मैगजीन नंबर 2 200 पढ़ते हैं, मैगजीन नंबर 1 को पढ़ते हैं 400 व्यक्ति, मैगजीन नंबर 2 को पढ़ते हैं टोटल 200 व्यक्ति, और मैगजीन नंबर 3 को पढ़ते हैं टोटल 250 व्यक्ति, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या बताता है अंदर और बाहर की, ठीक है। अब इसमें ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जो केवल दो पत्रिकाएं पढ़ते हैं। अब देखिए दो पत्रिकाएं, एक तो ये हो गई यानी कि 70, एक तो 70 हो गई, बाकी एक हो गई इसकी ये जो 30 है जो हो गई, ये भी दो ही पढ़ रहे हैं, और ये 70 यहां तक ही रहेगी, 70 30 और 15, 70 एक 30 हो गई और एक 15 हो गई, टोटल इनका योग 115 हो गया, ठीक। बाकी ये जो 40 है वो तो तीनों ही पढ़ते हैं, यानी कि तीनों की तीनों मैगजीन है जो पढ़ते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर बैठता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हम लोगों का बैठ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोएडा को 39658 के रूप में लिखा जाता है, तो इंडियन को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसमें आई तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पर 6 लिखा जाता है, अब 6 इसमें इन तीनों में है तो बी तो हमारा कैंसिल हो गया, इसमें बी को तो हम पहले ही कट कर देते हैं क्योंकि इसमें शुरुआत में 3 आ गया, जबकि आई तीसरे नंबर, यहाँ पर तीसरे नंबर नोएडा में तीसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पर यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर ये तीसरे नंबर पर है, तो तीसरे नंबर पर 6 है तो इंडिया का आई हो गया। बाकी इसमें दूसरे नंबर पर एन है, और एन इसमें पहले नंबर पे है, तो पहले नंबर पे यहाँ पर है 3, ठीक है, 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ए भी हमारा यहाँ कैंसिल हो गया क्योंकि ए में यहाँ पर 5 आ गया, ठीक। अब डी यहाँ पर इसमें तीसरे नंबर पर है, और डी यहाँ पर चौथे नंबर पर 5 है, तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, यहाँ तक भी ये दोनों सही बैठते हैं। आगे आई, आई इसमें तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पर यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर भी 6 है, चलो ये भी सही बैठ गया। अब इसमें आई एक आई एन डी आई हो गया, ठीक है, चार अक्षर हमारे हो गए। पांचवे नंबर पे है ए, ए हमारा यहाँ पर लास्ट में है, तो लास्ट में यहाँ पर हमारा 8 है, ठीक है, तो 8 यहाँ पर है, यहाँ पर 9 है, तो ये भी कैंसिल हो गया हमारा, बाकी हमारा जो बचा वो हमारा आंसर बच गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो हमें मिल गया, 63 56 83 जो हमारा आंसर है इसमें रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, जो निष्कर्ष दिए गए खतरों से निकलता है उसे चुनिए। अब इसमें निष्कर्ष दे रखा है कि अमीरों के अलावा हवाई यात्रा का खर्च कोई नहीं उठा सकता, ठीक है, कुछ जो हवाई यात्रा करते हैं बीमार हो जाते हैं, कुछ जो बीमार हो जाते हैं उन्हें इलाज की आवश्यकता होती है। अब इसमें ये तो हमारे हो गए
जो कथन है वो, अब इनसे क्या क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं वो यहां पर दे रखा है। तो इसमें जो पहला है ए नंबर, वो है हमारा सभी अमीर आदमी हवाई यात्रा करते हैं। तो हमें इसमें देखना है अमीरों के अलावा हवाई यात्रा कोई खर्चा नहीं उठा सकता, यहाँ पर ये बोला गया। तो अमीर इसमें ऐसा नहीं बोला गया कि भाई सभी अमीर इसमें इसका यानी कि सभी जो भी अमीर आदमी है वो हवाई यात्रा करते हैं, ऐसा इसमें नहीं बोला गया। तो पहला तो हमारा गलत हो गया। नंबर दो है, सॉरी यहाँ पर देखते हैं नंबर दो पे क्या बोला है इसने, जो हवाई यात्रा करते हैं बीमार हो जाते हैं। कुछ बोला गया यहाँ पर और वहां पर बोला गया कि सभी बीमार हो जाते हैं, तो ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि सभी नहीं होते, कुछ हो जाते हैं। ठीक है, सभी जो हवाई यात्रा करते हैं अमीर हैं, ऐसा भी इसमें कुछ नहीं बोला गया कि भाई जो भी हवाई यात्रा करते हैं सभी जो हवाई यात्रा करते हैं अमीर हैं, सॉरी सॉरी ऐसा तो इसमें बोला गया है ना। ये सब इसमें बोला गया है अमीरों के अलावा हवाई यात्रा का खर्च कोई नहीं उठा सकता, यानी कि केवल और केवल अमीर ही हवाई यात्रा करते हैं, इसका कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही निकल रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा यहाँ पर सही बैठता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ आंसर सी नंबर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए मैंने ये त्रिभुज गिने थे तो मेरे 22 से तो अबव थे, लेकिन 25 तक मेरे पहुंचे नहीं, तो ये 22 23 24 हो सकते हैं। तो हमारा इसमें जो आंसर है वो इसमें बी ऑप्शन है, 22 से अधिक लेकिन 25 से अधिक नहीं या 25 भी नहीं, ये इसमें ऑप्शन आएगा बी नंबर। और लास्ट एंड फाइनल जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में जेड के बाएं से 13वें अक्षर के दाएं से 7वां अक्षर कौन सा है, ये बोला गया है इसमें। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो जेड नंबर है वो हमारा 26 पे आता है, ये आप सभी को पता है कि जो जेड है वो 26 पे आता है। ठीक, अब इसमें बोला गया है बाएं से 13वें अक्षर के दाएं से 7वां। अब ठीक है, 13 बोला गया है ये तो बायां है, और फिर इसमें से 7वां दाया, यानी कि पहले वो बायां गया फिर दायां आया, तो हम क्या करते हैं कि बाएं में से दायां पहले घटा देते हैं, तो यहाँ पर 6 बच गया, यानी कि अब केवल बाएं के पास ही जाना है हमें, तो बाएं जाएंगे 20 में से 6, तो हम चल जाएंगे 20 नंबर वर्ण पर, 6 बाएं जाएंगे तो जेड से, तो 20 नंबर पे हमारा जो वर्ण आता है वो आता है हमारा टी, टी 20 नंबर पे हमारा आंसर इसमें बी राइट बैठता है। तो आज हमारा जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो क्लियर हो चुका है, कल मैं आप लोगों को ये जो मैथ वाला पार्ट है वो आप लोगों को करवाने जाऊंगा कल या परसों में, ये मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा मैथ वाला जो पोर्शन है वो। तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान को जरूर से जरूर प्रेस कर देना, नहीं तो आप लोगों को ये जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर है वो देखने से वंचित रह जाओगे और आप लोग इससे बहुत बड़ा नुकसान भी पा सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ में या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ में। ठीक है।